तो बहुत दिन बाद आए हूँ कुटाघाट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग भी आइए कुटाघाट, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया ना? हो गया, हो गया मेरा बोली खत्म। बोलिए कुछ, बोलिए। You got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite. Hello, welcome back guys. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज कुछ ऐसा सीन है कि आज हम लोग जा रहे हैं कुटाघाट, तो घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। सैटरडे भी है और बहुत दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि आप लोग देखना नहीं चाह रहे थे। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब किए जा रहे हो यार, दो सब्सक्राइबर मेरे कम हो गए यार, कुछ करो यार, सपोर्ट करो भाई को यार। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं, खाना वाना खा के जस्ट अभी तैयार हुए हैं। कोई आइडिया है, गेस कर सकती है कहाँ ले जा रहा हूँ मैं तेरे को? नो आइडिया। तो जल्दी तैयार हो फिर। मैं तो हो गई। हमारे यहाँ काम चल रहा है अभी, ऊपर जो टीन वीन लगने वाला है उसका काम चल रहा है, सफाई वगैरह का काम चल रहा है। आज हम राइड करते हैं, बुलेट वगैरह काम चल रहा है तो निकालते नहीं मार रहे, तो अभी उसको रहने देते हैं। तो अभी राइडिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ से कुछ दूर आ गए हैं। ये जलसो और ये फरारी अगल बगल में है दोनों, और ये सामने जो है सेमरा खार को जोड़ता है। वैसे मैं आप लोग को ये सब क्यों बता रहा हूँ यार, तो खेती कार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो। अभी टाइम पास, हम दोनों निकले हैं बाइक से, जा रहे हैं रतनपुर से कुटाघाट, वगैरह जा जाएंगे। और पता नहीं किस होने वाली है, थोड़ा बहुत बारिश हो जाएगी लग रहा है आज। रेनकोट वगैरह भी रखे हम लोग यार। यहीं पर मेरा गाड़ी ना आगे बना नहीं था ना, तो फंस चुका था पता है। अरे यहाँ बना नहीं था, स्विफ्ट कार था मेरे पास पहले, तो आया गड्ढा था, फंस गया था, निकल नहीं पा रहा था, ले देखे उसको निकाला था, पता मिलने आ रही रहा था, तब की बात है। जब तुम लोग फोन कर रहे थे जल्दी आओ करके, उस टाइम की बात है। तो ये देख के पेड़ वेड़ कर रहे हैं, रख दिए हैं, चला रहे हैं गाड़ी और आगे ठोका के, तो बैंक का कर्मचारी निपट चुका है ऐसे में। ये है कि सेफ है पता है, इस रोड में ट्रक वगैरह नहीं चलते, और जो मेन रोड है ना उससे जाते ना उस पर ट्रक वरक बहुत चलते हैं। लेकिन हम लोग को दाई ट्रक नहीं जाना है, इधर वाले रोड से बहुत दूर पड़ेगा, हमको सीधा जाना है कुटा। क्या है यहाँ का तो रास्ता खत्म हो गया, कहाँ जाना है अपने को? कितना अच्छा है यहाँ, क्या है ऊपर? अच्छा हम लोग वहाँ थे ना उस बार, वहाँ थे क्या? हम लोग रिजॉर्ट गए थे ना, हम लोग वहाँ गए, वहाँ थे ना, चलेंगे ना। ये हम लोग कुटाघाट आए भी तो ऐसे जगह आगे के पीछे वाले हिस्से में आ गए, सामने वाले हिस्से में गए, गेट पड़ा ही नहीं। अब घूम के जाना पड़ेगा तब फिर मिलेगा। यहीं पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी ट्रकें खड़ी हो जाती है, इस साइड से भी आते हैं ट्रक, इस साइड से भी कोरबा जाने वाला रोड है, काफ़ी लोडिंग ट्रक यहाँ से गुजरते रहती है, काफ़ी एक्सीडेंट भी यहीं पर होते हैं। आगे ही है, हम लोग रुक गए हैं बीच में, काफ़ी मस्त सुकून देने वाली जगह है। वैसे दीपक भाई एक बार आके दिखा चुके हैं, एक बार नहीं वो कई बार वीडियो बना चुके हैं कुटाघाट का, तो हम तो खैर कुटाघाट का वीडियो बनाने नहीं आए, हम तो मौज मस्ती करने आए हैं ना, काफ़ी धूप में मतलब हम लोग चलते चलते ना जाएंगे, सूर्य देवता ज़्यादा ही मेहरबान हो गए लगता है, वो नीचे से लोग चढ़ते गए हैं, कम से कम हम लोग बाइक में आ गए ऊपर, वो कम से कम आराम मिल गया हमको, दिक्कत हो जाता तो लोग सीढ़ी से चढ़ बढ़ के आ रहे हैं बाकायदा। कहाँ जाना है अपने को? वहाँ मतलब अच्छा खासा एक्सरसाइज करवा देगी यार, डेली सुबह आ जाए करो। अपना मास्क लगा ली है, खैर कोरोना का डर नहीं है, यहाँ प्राकृतिक जगह है। वहाँ कभी गई है? वहाँ नहीं, आप गए हो क्या? मैं गया हूँ ना, कब? एक बार हेलीकॉप्टर लाया था मैं, उसमें गया हूँ। तो वहाँ पर ना कुछ लोग रहते हैं आदिवासी लोग, बस और कुछ नहीं, राशन पानी मैं भिजवाता हूँ उन लोग को। अच्छा फेंक लेते हो? और चाचा जी हमारे विधायक हैं, तो ये सब तो करना बनता है यार। ट्रस्ट भी, रतनपुर के ट्रस्ट भी हमारे चाचा जी हैं। अच्छा? तो अब चाचा जी हैं कि भैया जी, नहीं पता, पता ही नहीं है। लेकिन जो भी है तो ना, क्या हो रही है? आगे नहीं जा पाऊंगी अब, क्यों जाए, ग्राउंड लगा के दौड़ के वहाँ से कैसे। क्या हो गया क्यूटू को? थक गई है? थक गई, थक गई। किसी जगह में ले आया, उससे दुखने लगा। ऐसा जगह नहीं है यार, पीछे का जो सीन है ना, अच्छे अच्छे लोग आने के तरसते हैं, सरगुजा, बस्तर, अंबिकापुर। अंबिकापुर
तू यहाँ की है ना छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की मेन, तो कहाँ से तरसेगी बता ना। कैमरा कैमरा देख के मुंह बंद हो जाता है मेरे को पता है। तो गाइस हम आ चुके हैं नीचे, अभी इसमें से नीचे पुल बनाया है उसको क्रॉस करके अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। और ये मंदिर जो है देखो डूब जा रहता है हमेशा, से 3-4 साल बाद मैं आ रहा हूँ। अभी कहाँ जा रही है यार, अरे यहाँ आके बैठ जा, काफ़ी धूप हो चुका है। तो गाइस पसीना पसीना तो हो ही जाता हूँ मैं थोड़ा सा चलने के बाद, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो चुका हूँ क्योंकि 1-2 किलोमीटर चल के आए हैं, उसके बाद अभी वहाँ नीचे सीढ़ी उतरे हैं फिर और पुल क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसको तो मैं करने वाला नहीं हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ। और तू कैसे जमाई ले रही? मैं भी नहीं करने वाली। क्यों? थक गई। लेकिन यहाँ का ना जो सुकून है ना अच्छा लग रहा है यार, पता है अभी पानी पानी भरा हुआ है बढ़िया। बेल दे दो भी, मैं नहीं लूँगा। तो कोटा घाट आया रहो, यहाँ कुछ खाया नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैडम को भूख लग गया है तो खा रही है एक बेल। 2 चम्मच क्यों लिए? तो एक आपके लिए। मैं तो खा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो एक ही बोल रहा हूँ तेरे को। बड़ा मुँह खोल रहा हूँ। बिस्किट रखा क्या यार? खुल नहीं रहा। नाक से नहीं खोलना चाहिए यार, भगवान ने दो हाथ दिए हैं उसे खोल, जूठा तो कर दी ना। मेरा भाई है। ऐसे फेंकना ऊपर। लगता है एक बिस्किट से इन लोगों का ना पेट नहीं भरा इतना। और कहाँ गए? और वो खा चुका है बीच वाला। अंकल थे हम लोग, कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे तो वैसा समझ रहे थे कि अभी भी आ रहे थे कुत्ता। तो अंकल जो ऐसे थे कि बोलते हैं मुझे गुटखा खवा दे। मतलब कुत्ते को खा रहा हूँ तो मतलब वो भी, बल्कि जबकि 2 भेल खा चुका था ना, 2-3 भेल खा चुका था। सबको एक साथ खाऊं क्या? मैं नहीं खाऊंगा। खा जाओ। तो बारिश होने वाली है यार, काफ़ी घटा छा चुका है, देख ना घर पहुँचते पहुँचते तक बरसात मत हो जाए। अच्छी बात है, भीगते हुए जाएंगे। तो गाइस बहुत जोर से सुखवाई थी और कहीं जगह भी नहीं था करने का, तो फाइनली एक जगह मिला है चोरी छुप के, आगे यहीं पर निपट उपट के फिर जाएंगे वापस। हम लोग कोटा घाट से वापस हो रहे थे तो पानी स्टार्ट हो गई और हम लोग फंस गए हैं अभी। मेरा गाड़ी भी देखो भीग चुका है, अच्छा तो धुल चुका है बढ़िया, और मैं फंस चुका हूँ। बारिश का मज़ा भी ले रहे हैं हम लोग, थोड़ी देर से बाद से निकलेंगे हम लोग। रतनपुर क्रॉस करके अभी हाईवे की तरफ सीधा निकले हैं, हाईवे क्रॉस करके अब सीधा मिलते हैं घर में। तब तक के लिए टिल देन सी यू, बाय बाय। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:30 बजे और हम पहुंच गए हैं अपने घर। सुबह से पानी नहीं पिया था, 1 गिलास पानी पिया था, तो अभी फिलहाल पानी पी रहा हूँ। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन क्लिक कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि लाइक नहीं करते, खाली व्यूज़ बस। व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइब कोई भाई लोग नहीं कर रहे हैं, तो भाई भाई का चैनल है यार, सपोर्ट करो यार भाई के चैनल को, और अपने दोस्त को भी और अपने परिवारों को भी काफ़ी से काफ़ी वीडियो को शेयर करो, स्टेटस में लगाओ भाई के चैनल को और ऊपर तक लेके जाओ यार। क्या सर लग रहा है यहाँ बैठ?
वो इतना सारा तो पानी है देख, इतना लेके आ रहा हूँ, चला चला कूद के जा रहा हूँ, ठीक है दादा बोले कि राइट कर लूंगा, बता रहा हूँ यही से कूद के जान दे दूंगा।